नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल पे। चलिए दोस्तों, आपके लिए लेकर आ गए हैं टाटा मोटर्स की सेल्स रिपोर्ट। जनवरी 2023 में कितनी बिकी टाटा मोटर्स की गाड़ी, इसके रिगार्डिंग ये वीडियो हम आपके लिए बनाए हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि टाटा मोटर्स लास्ट 12 महीने में काफ़ी बढ़िया सेल्स रजिस्टर की है। खासकर अगर हम बात करें तो टाटा नेक्सॉन और टाटा पंच ने मार्केट को पूरी तरीके से घुमाकर नंबर 1 स्पॉट और नंबर 7 स्पॉट पे आ गई है। किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि टाटा मोटर्स की गाड़ी नंबर 1 पे आ सकती है एसयूवी के बाजार में, और टाटा पंच ने जो कारनामा किया है वो भी काबिले तारीफ है। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि जनवरी 2023 में 79,681 डोमेस्टिक सेल्स हुई है, और अगर आप इसमें इंटरनेशनल ऐड कर दोगे तो लगभग 82,000 के आसपास पहुंच जाती है। 10% का ग्रोथ रेट देखने को मिलता है। दोस्तों इससे तो अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि टाटा मोटर्स ने काफी बढ़िया प्रोडक्ट में अपनी काम की है और मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तहत काफी बढ़िया सेल्स निकाली है। चलिए अब ब्रेकअप देख लेते हैं। 47,987 जो है आपका टोटल पैसेंजर व्हीकल डोमेस्टिक सेल हुई है इंक्लूड्स ईवी। दोस्तों अगर आप टोटल देखो तो 48,289 इंक्लूड्स ईवी टोटल पैसेंजर व्हीकल सेल हुई है, और जो 79,000 में इसके अदर जो है वो है कमर्शियल व्हीकल। तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा टाटा मोटर्स का, और इसका साफ साफ हमें देखने को मिला है इसके शेयर के मार्केट में भी। शेयर मार्केट में भी टाटा मोटर्स काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रो कर रही है और लगभग 455-456 के आसपास ट्रेंड करते हुए नजर आ रही है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये छोटा सा डेमोंस्ट्रेशन अच्छा लगा होगा और आप हमारे साथ जुड़े रहे, यही हमारी उम्मीद है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।